निकी जी ने आज फिर से अपने पैसों का घमंड दिखाया। इसे तू ये बता गाइस, तुझे कितने दिन हुए ना आए? 1+6=10। हे गाइस, तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच। तो अब हम मुझे जल्दीबाजी इतनी नहीं होती है, बट हाँ काम तो ब्रेकफास्ट और लंच तो टाइम पर सबको देना चाहिए, नहीं तो वो लोग तो भागने की धमकी देते हैं कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे नहीं मिला, मैं लेट हो गया। तो अब मम्मी आ गई हैं तो हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं मॉर्निंग का। और यहाँ पर बनी है मिक्स वेज, आज बहुत टेस्टी बनी थी। और करिए ब्लॉग को कंटिन्यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ब्लॉग तो मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था, बट इंट्रो अभी दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। और यहाँ पर छोटू आ गया है और ये कंबल मत सोचिएगा क्यों रखा है, गर्मी आ गई है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम ड्राई क्लीन के लिए देंगे, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो छोटू को यहाँ पर मैंने नाश्ता दे दिया है। और छोटू कल आप कहाँ गए थे? हेलो गाइस, इंडिया गेट गए हैं। अब बच्चे हैं, इस सोमवार के इंडिया गेट गए हैं, अगला सोमवार के जाएंगे लाल किला। अब भी चलेंगे? हम नहीं जाएंगे, आप ही घूमिए इस गर्मी में। ये इंडिया गेट गए हैं, अब लाल किला जाएंगे। सोमवार को इनको छुट्टी होती है तो हम नहीं जाएंगे इतनी गर्मी में, यही घूमें, एंजॉय करें। इतना टैलेंट है कि ये थूक रहे हैं डायरेक्ट उसमें डस्टबिन में, यहाँ से बैठकर डस्टबिन में थूक रहे हैं। कल का रोटियां बदबू आ रहे, खराब हो गया, इसलिए मुंह से थूक दिया इन्होंने डस्टबिन में। इनके अंदर इतना टैलेंट है, ये इतने टैलेंटेड है। तू ये बता गाइस, तुझे कितने दिन हुए ना आए हुए? गाइस, अगर ठंड लगे तो नहाना चाहिए कि नहीं? और अगर गर्मी लगे तो तरबूज बुलाना नहीं है। दर्श, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। एक सच सच बता दे, कितने दिन हो गए नहाए हुए? आया था तो नहाया था, कल परसों तरसों, आज फोर्थ है, चार दिन हो गए से नहाए हुए। शनिवार को नहाया था। मैंने मन्नत मांगी हुई है, शनिवार का नहाया हुआ है, मन्नत मांगी है, मेरे सपने में आया था, अगर एक हफ्ता नहीं नहाओगे तो ये पूरी होगी। किस किस की ऐसे पूरी होती है मन्नत? मेरी होती है लाइफ। सो गाइस, एक बार फिर मैं लौट गई हूँ, पीछे इग्नोर करिएगा, आज धुले हैं कपड़े और मेरे बालों को भी, क्योंकि आज मैंने अभी तक कॉम नहीं करी है। तो अब चलिए, हम आज है, आज मतलब शाम के बज रहे हैं चार, और फिर सबको खाना था आज पोहा, और वो भी भूजा हुआ। तो चलिए भूजते हैं पोहा और मिलती हूँ फिर मैं आपसे भूजने के बाद। तो कुछ इस तरह से मैं इसको रोस्ट करूँगी कढ़ाई में, और इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, किशमिश, अपने स्वाद के अनुसार। मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, जब ये रोस्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ऊपर से मिक्सचर डाल के इसको हम खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको रोस्ट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने नानी को भूज के दे दिया है चूरा। नानी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मामू कैसा लग रहा है? बोलो ना कम से आगे कुछ बोल ही नहीं रहे। गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और बाहर चल रही है बहुत ही अच्छी हवा, और मैं आई हूँ आज वॉक करने। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है वॉक। ये देखो सामने फेस पे डायरेक्ट धूप आ रही है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू, बने रहिएगा एंड तक, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। तो गाइस वॉक करके आ गई हूँ, फेस वॉश किया हुआ है, पसीना नहीं आया है यार, पता नहीं क्यों बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आई है, इतनी दूर गई थी, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगी, आज थोड़ी हवा चल रही थी ना इस वजह से नहीं आई है। और अब हम खाएंगे वही जो मैं रोस्ट कर दी गई थी पोहा, और इसमें थोड़ी सी मिक्सर डालेंगे। तो चलिए करते हैं और आगे ब्लॉग को शूट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लिप में। क्या कर रहे हो? चल आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो ये दोनों बच्चे कहाँ गए थे? मार खाया है फिर?
ये दोनों बच्चे, पर दर्श के और देवांश के दोनों के जूते आ गए। स्कूल के जूते। देवांश, देवांश के बड़े नहीं है? बड़े तो क्या दे सकते हैं। गया था क्या लेने, लेके आया देवांश। और यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं रात के खाने की। तो आज रात को बना था बैंगन का भरता, जो कि हमने उसको सेका नहीं था, डायरेक्ट काट कर बनाया था। बहुत टेस्टी और यमी बना था। फिर गीला कर दिया गंजी। अभी अभी इसका गंजी। हाँ तो वो तो ना बड़ा मुंह वाला बोतल से तीन तरह की देख ले ला ना अभी। दस ढक्कन टूटा तो नहीं, कहाँ फेंक दिया ये? कौन सा ढक्कन? उसका टूटा और लेगा पूजा। क्या बना रही हो? देवांश क्या हुआ? देवांश को मारा की जाके दस्त हुआ। माँ जी। भाई। हाँ। आ आना आना। भाई। माफी। सॉरी भाई। चल छू दिया अगर मतलब गोल ले लिया तो देख ले मेरे जैसा कोई नहीं हो। तमीज नहीं है तेरा, कल हिंदी का टेस्ट है और तू खेल रहा है बैट बॉल उठा के। तू पार्क में खेल के आया, उसके बाद टीवी देखा, उसके बाद फिर तूने अभी बैट उठा लिया। देखा नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कल पता चल जाएगा। 8 out of 10 आ रही है। डिसलाइक मैथ आती है? बिल्कुल आती है। अच्छा 90+77 ये बताता। 90+77 खत्म। इतना तो वीडियो में मैं देख ना भाई के 167 ये देख इधर, ये चोर क्या करता है। और यहाँ पर दर्श को पढ़ा रही है नानी। कल दर्श का टेस्ट है डिक्टेशन, तो देखिए। गाइस, जैसा कि कल मैंने बात करी YouTube पे जो बहुत ही जोर शोरों से कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं चल रहा। आज से कुछ दिन पहले मैंने निकी सुमित ऑफिशियल जो है हमारे यूट्यूबर, मैंने Instagram पे उनसे हेल्प मांगी थी, बट उन्होंने मेरी मतलब बस मैसेज सीन किया और कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, थम का वो दे दिया। तो यार आप इतना ही कहूँगी, यार आप इतने बड़े यूट्यूबर हो तो कम से कम उस टाइम क्यों नहीं सोचा आपने कि चलो कोई हेल्प मांग रहा है तो इसकी हेल्प करते हैं। आज जब काश मुझे आप उसी टाइम बता देते निक्की कि आपके यूट्यूब पे आपके फेवर में है, मुझे बोलना है और आपको सब्सक्राइबर्स गेन करवाने हैं, आपकी तारीफ करनी है, तो ही मैं आपका सपोर्ट करूँगी। तो मैं उसी दिन से मैं आपके लिए वीडियो बना लेती और उसी दिन मैं आपको सपोर्ट करती, तो शायद आप मेरी हेल्प करते, बट आपने नहीं करी। लेकिन अब तो आप पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबर्स को कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे हैं, तो ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर जो आपको आगे बढ़ाएगा, अरे आप तो ऑलरेडी आगे बढ़े हुए हो, आपको तो कम से कम सोचना चाहिए। चलो कोई अपनी इतनी मजबूरी बता रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर दूँ, पर आपने इस कान से सुना इससे निकाल दिया। मतलब कि इसको कहूंगी पैसों का घमंड। उस टाइम आपने मुझे ये दिखाया और आज आपने एक बार फिर से दिखाया। आज आपने अपने स्टेटस पे लगाया था Instagram, आपने वो मुझे नहीं दिखाया, आपने अपने घर में ही अपने बड़ों को वो दिखाया।
इन्होंने निक्की जी ने लगाया था इंस्टाग्राम पे कि जो खानदानी रईस होते हैं ना तो वो पैसों को देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो ऐसे मतलब बहुत मिडिल क्लास होते हैं, गरीब होते हैं, वो जब पैसे देख लेते हैं तो वो बौखला जाते हैं। आप ताना दे रहे थे आज अपने ही घर में, शायद आप भूल गई वो ताना देते हुए कि वो अब आप ही के घर की हैं, वो अब आप ही के घर की हैं, वो किसी और के घर की नहीं कहलाएंगी, वो आपके घर की बड़ी आपकी जेठानी कहलाएंगी। आप उनको नीचा दिखा रही हैं सोशल मीडिया पे, चलिए आप उनको फेस टू फेस, आप उनके साथ रह रही हैं 24 घंटे, तब आप उनको नीचा दिखाती तो 1% समझ भी आता, लेकिन आपने तो खुलेआम नीचा दिखाया, पैसों का घमंड आज आपने फिर एक बार दिखाया। क्या सही था ये? क्या आपको ये शोभा देता है? एक तरफ आपके हस्बैंड जी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं औरतों को लेकर, और एक तरफ आप एक औरत को इतना नीचा गिरा रही हैं। क्यों? आपने एक्चुअली कभी वो दर्द सहा ही नहीं, क्योंकि आपको वो वाला सपोर्ट मिला हमेशा, और वो कामनी को कोई सपोर्ट नहीं मिला ना, तो जो वो दर्द इस टाइम सह रही है ना, वो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन आप नहीं समझ पा रही हैं। यार क्या कर रही है, जैसे आप व्लॉग बनाती हैं वैसे वो भी व्लॉग बनाती हैं, और किस घर में लड़ाई नहीं होती, हर घर में लड़ाई होती है। आप अगर पता है क्या होता है, कभी कभार ना इंसान के मन में ना बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है कि यार मैं यूट्यूबर थी, मेरी वजह से कोई आगे बढ़ा, इतना आगे क्यों बढ़ रहा है कोई, मेरे से पीछे चले, वो है आपके अंदर, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं बहुत प्यार से ये चीज़ अपने मन की बात रख रही हूँ, जब सारे यूट्यूबर अपनी मन की बात रख रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं रख सकती, तो इसलिए मैं ये मन की बात अपनी रख रही हूँ कि आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आज एक बार फिर आपने दिखाया कि आपको पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है अपने। निक्की, लड़ाई हर घर में होती है पता है, लेकिन एक एजुकेटेड इंसान वही कहलाता है कि उस लड़ाई को एक मतलब छोड़ दे, इग्नोर कर दे। यार देखो, आप भी अपना कमा रहे हो, वो भी अपना कमा रही है, दोनों अपना जी रहे हो, बस यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो हो रही है जिद। वो कामिनी जी कह रही हैं कि मुझे अलग रहना है, एकदम मुझे सेपरेट कर दो, और आपकी फैमिली का कहने का मतलब है कि नहीं, हम सब मिलके रहेंगे। तो कई बार यार ऐसा हो जाता है, जब हम एक साथ रहते हैं ना तो कुछ चीज़ें हमें किसी की नहीं पसंद आती हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए कि सामने वाला भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। बट आप लोगों ने ऐसा ना करके ना आज इतने लेवल तक मतलब वो चला गया ना, जो कि शायद अब लग रहा होगा आपको भी कि काश हमने ये सब उसी टाइम ख़त्म कर दिया होता तो इतनी बातें नहीं बढ़ती। यार इतनी अच्छा, इतना अच्छा आप लोगों का फेस वैल्यू बना हुआ था। अब चाहे कोई किसी की भी कितनी सच्चाई लेके आए, लेकिन एक मन में तो आ गया है ना कि हाँ भाई नहीं, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि कैसे मतलब क्या मैंने अपना एक मेरी कोई ऐसी वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं एक बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ। हाँ, जो देख रही हूँ वो मैंने बस आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो गाइस, वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल पे आपको डेली लाइफस्टाइल के ब्लॉग्स दिखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, एंड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल आप एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।